एमसीक्यूज। तो देखिए, पहला सवाल है कि क्रेब साइकिल जो है उसके लिए उसको और किस किस नाम से जाना जाता है। तो क्रेब साइकिल को जाना जाता है ट्राई कार्बोक्सिलिक साइकिल या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, क्योंकि टी सी ए है, सो टी फॉर ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल और सिट्रिक एसिड साइकिल। तो ये दोनों ही नाम जो दिए गए हैं, पूरी जो रिएक्शन साइकिल होती है क्रेब साइकिल, उसके अंदर जो पहला प्रोडक्ट होता है, पहली रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो सिट्रिक एसिड होता है। एंड अगेन यहाँ पे जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उनके अंदर तीन ग्रुप्स प्रेजेंट है, इसीलिए ये नाम दोनों दिए गए हैं। क्रेब साइकिल अब कहाँ पे होती है, ग्लाइकोलाइसिस के बारे में हमने बोला था कि ग्लाइकोलाइसिस जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। सिमिलरली आपसे सेम क्वेश्चन क्रेब साइकिल के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो जो क्रेब साइकिल है वो होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो इसको क्रेब साइकिल को जिन एंजाइम्स की ज़रूरत होती है वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो ये सारी एक्टिविटीज़ आपकी कहाँ पर होंगी, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अगला सवाल आपसे पूछा है कि कौन से ऐसे हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं जो क्रेब साइकिल के दौरान रिलीज होते हैं। तो क्रेब साइकिल के टाइम पे NADH का फॉर्मेशन होता है, FADH2 भी रिलीज होते हैं और ATP भी। अब आप कहोगे ये NADH और FADH2 कहाँ है, हमने तो एनर्जी सोर्सेज केवल ATP पढ़े हैं। तो ये जो दोनों प्रोडक्ट्स हैं NADH और FADH2, ये भी लास्ट में जा करके कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, ATP के अंदर, ठीक है। तो इनको भी हम हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स ही बोलेंगे, एनर्जी सोर्सेज ही हैं ये भी। अब कुछ वैक्स लाइक सीक्रेशंस होते हैं हमारी बॉडी से जो रिलीज होते हैं स्वेट के अलावा, लाइक स्वेट जो है वो एक वाटरी सीक्रेशन है जिसमें कुछ सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। सिमिलरली हमारी स्किन से कुछ वैक्स लाइक सीक्रेशंस भी रिलीज होते हैं जिनके थ्रू लिपिड्स का रिमूवल होता है बॉडी से, कुछ हाइड्रोकार्बन्स का, फैटी एसिड्स का, इन तरह का रिमूवल होता है। तो वो जो सीक्रेशन है उसे हम क्या कहते हैं, उस सीक्रेशन को हम जानते हैं सिबम के नाम से। ओके, सो एक जो मेन प्रोडक्ट रिलीज होता है हमारी स्किन के थ्रू, दैट इज थ्रू सेल स्वेट ग्लैंड्स, वहां से स्वेट रिलीज होगा। स्वेट के अगर आप इसी तरह कंस्टिट्यूएंट्स देखोगे तो सबसे ज्यादा उसमें सोडियम क्लोराइड मिलेगा, उसके अलावा थोड़ी बहुत अमाउंट्स में लैक्टिक एसिड, यूरिया, एमाइनो एसिड्स और ग्लूकोज भी हो सकते हैं, और मेनली इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो वाटरी होती है। The process of elimination of waste products from the body, आपकी body से जो waste products हैं, जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, उनको जो removal है body से, उस process का क्या नाम है? So this process is known as excretion. Excretion नाम से हम जानते हैं इस process को, जहाँ पे जो भी waste products हैं हमारी body से, उनको हम body से बाहर remove कर देते हैं। And excretion again, ये भी आपकी digestion की ही, digestion की एक process आती है, उसमें ejection आती है basically, which is related to the GIT, but excretion जो process है ये आपकी related होगी ज़्यादा kidneys से, okay? The structure which separates the thorax and abdomen. तो abdomen के अंदर आपके organs होते हैं, जैसे आपका stomach है, liver है, intestine है, ये सारे। Thorax के अंदर आपके organs होते हैं, जैसे आपकी lungs हैं दोनों, heart है ये। तो ये जो दोनों compartment है, इसको anatomically एक structure है जो separate करती है, इस तरह की dome shaped structure हम इसको बोलते हैं, जो कि आपका है diaphragm, ठीक है। और डायफ्राम का बहुत ज़्यादा रोल रेस्पिरेशन के अंदर भी होता है। बोमेंस कैप्सूल आपसे पूछा है कौन से स्ट्रक्चर का पार्ट है, तो बोमेंस कैप्सूल जो है नेफ्रॉन का पार्ट है, ठीक है। नेफ्रॉन को जब हम डायग्राम उसका ड्रॉ करना शुरू करते हैं तो इस तरह की एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जिसके अंदर इस तरह से बहुत सारी आपको कैपिलरीज जो है यहाँ पर आपको ऐसे ड्रॉ करी हुई मिलती है। सो ये ब्लू वाला पार्ट जो है दैट इज़ योर बोमेंस कैप्सूल, ओके। रिनल कॉर्पसल के बारे में पूछा है कि रिनल कॉर्पसकल के अंदर आपका जो नेफ्रॉन है उसके कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। तो जो ग्लोमेरुलस है और जो बोमेंस कैप्स है, जो अभी लास्ट डायग्राम मैंने बनाया वो पूरा जो डायग्राम है दैट इज नोन एज रिनल कॉर्पसकल, और उसके अलावा का जो पार्ट है आपका नेफ्रॉन का, उसे हम बोलते हैं रिनल ट्यूब्यूल। तो अगर आपसे नेफ्रॉन कोई पूछे तो नेफ्रॉन को आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, वन विल बी रिनल कॉर्पस्कल और दूसरा होगा रिनल ट्यूब्यूल, ओके। तो रिनल ट्यूब्यूल के पार्ट्स कौन कौन से होंगे, PCT, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड डक्ट, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब और हेनलीज लूप। PCT, DCT और हेनलीज लूप ये आपके पार्ट्स होते हैं रिनल ट्यूब्यूल की। नेफ्रॉन कितने तरह के होते हैं, दो तरह के नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए, जो मेन काम है यहाँ पे आपका नेफ्रॉन्स का, वो है हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट्स को निकालना, पर इसके साथ साथ वाटर का जो रीअब्सॉर्प्शन है वो भी एक काम होता है नेफ्रॉन का, ठीक है। तो इसीलिए हमारे पास में दो तरह के नेफ्रॉन्स है, एक है आपके पास में कॉर्टिकल नेफ्रॉन और दूसरा कौन सा है, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन का यहाँ पे क्या एडवांटेज है कि जक्स्टा मेडुलरी जो नेफ्रॉन है उनसे ये जो वाटर का एब्जॉर्प्शन है ये ज़्यादा होता है, ओके।
एक्सटर्नल फीचर्स के ऊपर अगर आप स्टडी कर रहे हो किसी भी ऑर्गेनिज्म की, जैसे आपने प्लांट लिया, प्लांट में आप स्टडी कर रहे हो किस कितनी तरह की लीव्स होती हैं, उनके फ्लावरिंग के क्या क्राइटेरिया हैं, या फिर सिमिलरली आप किसी भी ऑर्गेनिज्म मैमल का, तो उसे हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी। जब आप बाहर से दिखने वाली चीज़ों की स्टडी करते हो दैट इज़ मॉर्फोलॉजी। लेकिन जब आप वहीं पर ऑर्गन्स में चले जाते हैं अंदर, अगर बॉडी में उनमें कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, व्हाट इज़ देयर अरेंजमेंट, उनका फंक्शन क्या है, तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो आती हैं आपकी एनाटॉमी सब्जेक्ट के अंदर स्टडी करी जाती है। तो मॉर्फोलॉजी इज ऑल अबाउट स्टडींग जो बाहर है, और एनाटॉमी अगर आप अंदरूनी चीजें पढ़ते हो, इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में अगर आप पढ़ोगे तो दैट विल बी एनाटॉमी। न्यूट्रिशन कितने तरह का होता है, तो न्यूट्रिशन वैसे तो बहुत सारे डिविजन आपको मिलेंगे, बट मेन जो न्यूट्रिशन है वो होता है आपका ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक। या तो जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करेगा, अपना खाना स्वयं बनाएगा, अगर स्वयं बनाएगा तो वो क्या हो जाएगा, ऑटोट्रॉपिक या स्वपोषी, या फिर वो प्लांट्स के ऊपर निर्भर करेगा अपने भोजन के लिए, तो वो हेटेरोट्रॉपिक होंगे। इसके अलावा जैसे आपने सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी देखा होगा, उसके अलावा जैसे आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, फंगाई और आपके बैक्टीरियाज हैं, उनमें आपने डीकम्पोजर्स भी देखे होंगे, तो ये जो डीकम्पोजर्स हैं, सैप्रोफाइट्स हैं, ये भी आप मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोल सकते हो, बट मेन जो क्लासिफिकेशन होगा वो होगा कि वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं या फिर किसी और पे डिपेंडेंट है। कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन कहाँ पे शुरू होता है बताइए, तो कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है माउथ के अंदर। क्यों? क्योंकि आपके सलाइवरी ग्लैंड से यहाँ पे कौन सा एंजाइम रिलीज होता है, अब तक याद हो गया होगा, टाइलिन। और टाइलिन क्या करता है, आपके स्टार्च के ऊपर ऐड करता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट का एक फॉर्म है। स्टमक की जो लाइनिंग है, हमने कहा था कि स्टमक के अंदर देखो HCl प्रोड्यूस होता है, कौन सा है, वो कॉन्सेंट्रेटेड HCl है, तो HCl से बचाने के लिए, अमल से बचाने के लिए भी तो किसी चीज़ की ज़रूरत होगी, तो भगवान ने स्टमक के अंदर क्या दिया है, बहुत सारा म्यूकस सीक्रेशन होता है स्टमक के अंदर, और ये म्यूकस क्या करता है, आपके स्टमक को बचा लेगा HCl से, कोरोजन नहीं होने देगा एसिड से। ओके, टंग का फंक्शन पूछा है कि टंग के क्या क्या फंक्शन होते हैं, तो टंग आपको हेल्प करता है चीविंग में, हेल्प करेगा मॉइस्टनिंग में, रोलिंग में और स्वेलोइंग ऑफ फूड के अंदर। एलिमेंट्री कैनाल जो है आपके, उसमें कुछ फिक्स्ड लेयर्स हैं जो आपको माउथ से एनस तक मिलेंगी, वो लेयर्स कौन कौन सी हैं, तो एलिमेंट्री कैनाल की जो लेयर्स हैं उनमें एक लेयर मिलेगी आपको सेरोसा, जो सबसे बाहर की लेयर होगी, मस्क्युलैरिस, मस्क्युलैरिस जो लेयर है इसको आप मसल लेयर भी बोल सकते हो, ठीक है, तो इसके अंदर आपकी मसल्स प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, एलिमेंट्री कैनाल की जो मसल्स हैं वो दो तरह की होती हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल मसल्स यहाँ पे होती हैं और एक सर्कुलर मसल्स होती हैं, ठीक है, इतना ही था इसमें। देन दो और लेयर्स जो है आपकी वो कौन सी हो सकती है, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा। जो आपका ल्यूमेन है, सबसे अंदर वाला जो पार्ट है, जैसे अगर आप बोलते हो ये अगर आपका इंटेस्टाइन है, ये अगर पूरी वॉल है इसकी, तो ल्यूमेन के सबसे पास वाली जो लेयर है वो कौन सी होगी आपकी, म्यूकोसा। तो ये जो सीक्वेंस है सेरोसा, मस्क्युलैरिस, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा, ये तब है जब आपकी जो पूरी इंटेस्टाइन है उसमें आप बाहर से अंदर की तरफ आओगे। स्टमक के अंदर फूड जो है वो कितनी देर तक रहता है, ऑलमोस्ट 4 से 5 घंटे तक खाना जो है वो आपके स्टमक में रहता है। कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन जो प्लांट्स के अंदर है वो किसकी हेल्प से होता है, प्लांट्स के अंदर जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन है वो होता है फाइटो हार्मोन्स की हेल्प से, और ये फाइटो हार्मोन्स वही हैं आपके जो प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स हैं, उन्हीं को फाइटो हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है। ओके, कितने तरह के फाइटो हार्मोन्स होते हैं हमारे पास में, 5 फाइटो हार्मोन्स हैं, ऑक्सिन है, साइटोकाइनिन है, जिब्रेलिन है, इथाइलिन है और एब्सिसिक एसिड है, ठीक है। प्लांट का जो मूवमेंट है लाइट के रिस्पांस में उसे क्या कहते हैं, तो देखिए ये एक्सपेरिमेंट आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि अगर आपने एक पौधा लिया है और अगर उसको एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया है, लेकिन आपने क्या किया, उसके अंदर आपने एक तरफ से एक झरोखा छोड़ दिया है जहाँ से रेगुलरली क्या है लाइट अंदर जा रही है, तो यहाँ पे जो प्लांट होता है, मान लीजिए आपने गमले में पौधा यहाँ पे उगाया हुआ था, तो ये प्लांट धीरे धीरे क्या करता है, ये इस लाइट की तरफ मूव करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो ये जो मूवमेंट है लाइट की तरफ जो पौधे ने अपना मूवमेंट शुरू कर दिया, इसे बोलते हैं फोटोट्रॉपिज्म। सिमिलरली अगर वाटर कहीं पे मिल गया और वाटर की तरफ उसकी ग्रोथ स्टार्ट हो गई, दैट विल बी हाइड्रोट्रॉपिज्म। ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में जो मूवमेंट है प्लांट्स का, उसको बोलते हैं जियोट्रॉपिज्म। जैसे कि ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में आपको मिलेगा रूट का जो मोशन है वो, तो रूट हमेशा नीचे की तरफ ही क्यों जाती है, क्योंकि रूट होती है वहाँ पे कैसी, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, ठीक है।
केमिकल्स के रिस्पॉन्स में जो प्लांट्स का मूवमेंट है उसे हम क्या बोलेंगे, कीमोट्रॉपिज्म। तो मूवमेंट के लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे ट्रॉपिज्म। अगर वो लाइट के रिस्पॉन्स में है तो वो क्या हो जाएगा, फोटोट्रॉपिज्म। वाटर के रिस्पॉन्स में है तो क्या हो जाएगा, हाइड्रो। ग्रेविटी के लिए आपको जियो ऐड करना है और केमिकल्स के लिए क्या ऐड करना है, कीमोट्रॉपिज्म। सिंपल है, सिर्फ आपको ट्रॉपिज्म याद करके पहले वाली चीज़ें चेंज करनी है। तो यहाँ पे आपकी 3 से 4 डेफिनेशन जो है वो एकदम आपको ईजिली याद हो जाएंगी और आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो कीवर्ड्स ही मैंने हाईलाइट करें जिससे आप फटाफट याद कर पाओगे। चलिए, नेस्टिक मूवमेंट जो है प्लांट्स का इन रिस्पॉन्स टू टच टू एन ऑब्जेक्ट, जैसे आपने देखा होगा छुई मुई देखा होगा, टच में नॉट प्लांट, उसके लीव्स को जैसे ही आप टच करते हैं उसके लीव्स में मूवमेंट होता है, वो सिकुड़ जाती है। तो ये जो मूवमेंट है ये किस तरह का मूवमेंट है, इसे क्या कहा जाता है? तो इसके लिए अलग से टर्म है एक, वो है उसको हम कहते हैं थिग्मोनास्टी। ठीक है, यहाँ पे आप डेफिनेशन याद रखें, उसको क्या कहते हैं, थिग्मोनास्टी। और यहाँ पे प्लांट कौन सा होगा आपका, टच मी नॉट प्लांट। ठीक है, तो इसका नाम ही देखिए क्या रखा है हमने, कि मुझे छूना नहीं है। ठीक है, टच मी नॉट। अगला देखिए, नेस्टिक मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू लाइट। तो नेस्टिक मूवमेंट है उसके लिए हम एक वर्ड यूज करेंगे नेस्टी और बाकी टर्म्स को चेंज करते जाएंगे। अगर लाइट के रिस्पॉन्स में है तो हम उसे क्या बोल देंगे, फोटोनेस्टी। ओके, बट यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं कहूँगी थिग्मोनेस्टी है। स्टोमेटा जो क्लोज होते हैं वो कौन से फाइटोहार्मोन के आपको इन्फ्लुएंस में होंगे? तो क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एब्सिसिक एसिड, और ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा के लिए अगर आपको कोई फाइटोहार्मोन पूछा जाए तो वो कौन सा होगा, साइटोकाइनिन। वैसे हमने सेम क्वेश्चन जो है वो गार्ड सेल्स के बारे में भी पढ़ा था कि गार्ड सेल्स जो है जब वो बहुत ज़्यादा उनके अंदर वाटर आ जाता है तब वो क्या करते हैं, ओपन कर देते हैं स्टोमेटा को, और जब उनके अंदर से वाटर रिलीज हो जाता है, प्रेशर जब कम होता है तो क्या होता है, स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। तो गार्ड सेल्स नेचुरली काम करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या है, कुछ फाइटोहार्मोन्स जो है उनका इन्वॉल्वमेंट भी होता है। तो अगर आपसे हार्मोन्स पूछे जाएं देन इट विल बी एब्सिसिक एसिड एंड साइटोकाइन। पहला जो लिविंग सेल था उसकी डिस्कवरी किसने करी थी? तो सबसे पहला जो लिविंग सेल था वो देखा था एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ने। ठीक है, कौन से ऐसे सेल्स हैं आपकी बॉडी के अंदर जिसके अंदर एबिलिटी होती है, कोई अगर पैथोजन है, कोई रोगाणु अगर आपके शरीर में एंटर कर जाए तो उसको पहचानने की, सबसे पहले उसको पहचानेंगे, उसके बाद में उसको निगल जाएंगे, एनगल्फ कर लेंगे, और निगलने के बाद में उसको डिस्ट्रॉय भी कर देंगे। ऐसे कौन से सेल्स हैं? तो ऐसे सेल्स होते हैं आपके मैक्रोफेजेस। ठीक है, एंजाइना, एंजाइना आपका जो एक सर्कुलेशन है उससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम है, और इसको चेस्ट पेन के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा चेस्ट पेन यहाँ पे फील होता है पेशेंट को। ओके, एंजाइना क्यों होता है? एंजाइना इसलिए होता है कि हार्ट को जो ब्लड जा रहा था, और हार्ट को जो ब्लड जा रहा था उसके लिए हमने कौन सा टर्म यूज़ किया था, कॉरोनरी सर्कुलेशन। तो कॉरोनरी सर्कुलेशन जो है वहाँ पे वो रिड्यूस हो जाता है, इस वजह से क्या होगा कि हार्ट की जो मसल्स हैं, जो हृदय की मांसपेशियाँ हैं, वहाँ पे ब्लड की सप्लाई जो है वो कम हो जाती है, और इस वजह से क्या होता है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन फील होता है, विच इज़ नोन एज एंजाइना। ओके, अगला देखिए, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इन सबको हम किस में ग्रुप करेंगे, इनको हम ग्रुप करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको सिर्फ 3 हार्मोन्स दिए, 5 नहीं दिए हैं, तो यहाँ पे कुछ कैच है। तो ये किस तरह से फंक्शन करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे फाइटो हार्मोन्स के 2 ग्रुप बना दिए हैं, एक जो ग्रोथ को प्रमोट करते हैं यानी जो ग्रोथ को, वृद्धि को बढ़ावा देते हैं, और दूसरे जो वृद्धि को रोकते हैं। वृद्धि को रोकने वालों में आपके पास में 2 एग्जाम्पल आते हैं, जो कौन से हैं, एब्सिसिक एसिड है और एथाइलिन है। और जो प्रमोटर्स हैं, प्रमोटर्स के पास आपके 3 एग्जाम्पल हैं, विच विल बी ऑक्सिन, जिब्रेलिन होंगे और साइटोकाइनेंस होंगे। ओके, बट यहाँ पे मेन चीज़ जो है वो एक डिफरेंस है। अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि आपको एक ऐसा प्लांट हार्मोन बताना है जो कि एक प्रमोटर और एक इनहिबिटर दोनों की तरह काम कर सकता है, तो आप जवाब कौन सा देंगे? हमारा जवाब होगा इथाइलीन। क्यों? क्योंकि यूजुअली तो क्या है कि इसके ज़्यादा काम तो इनहिबिटर्स के जैसे ही हैं, तो ये यूजुअली तो क्या करेगा, प्लांट ग्रोथ को कम करेगा, पर इसके कुछ कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जो प्रमोटर के भी हैं, तो इसको आप दोनों की कैटेगरी में रख सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट इज प्राइमरी ग्रोथ। जो है प्राइमरी ग्रोथ के बारे में पूछा है प्लांट्स के अंदर कि प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर क्या डिफरेंस होता है। तो प्राइमरी ग्रोथ के अंदर बेसिकली क्या होगा, प्लांट जो है उसकी लेंथ में इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, लेकिन जैसे आपने देखा होगा कि प्लांट को ग्रो करने के बाद में पहले वो लेंथ में इंक्रीज करता है, और उसके बाद में क्या होता है, धीरे धीरे उसकी विड्थ इंक्रीज होती है। तो विड्थ इंक्रीज होने वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ, और जो लेंथ में इंक्रीज है प्लांट की, दैट इज नोन एज प्राइमरी ग्रोथ। ओके,
अगला वेजिटेटिव ग्रोथ आपसे पूछा है, तो प्लांट के दो फेजेस होते हैं ग्रोथ के, पहला वेजिटेटिव ग्रोथ होता है, दूसरा रिप्रोडक्टिव फेज होता है। तो रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर क्या होता है, फ्लावर का फॉर्मेशन होता है। तो फ्लावर के अलावा जो भी चीज़ों का फॉर्मेशन है, जैसे कि स्टेम का आपने बोला, लीव्स का, ब्रांचेस का, तो वो सारा आ जाएगा आपके वेजिटेटिव ग्रोथ में। बट यहाँ पे अगर आपको रिप्रोडक्टिव ग्रोथ का पूछा जाए, तो फ्लावर की ग्रोथ जो है या फिर फ्लावर के अंदर आपका एंड्रोशियम और गाइनोशियम, उनका मैच्योरेशन जो है, उसके बाद में फर्टिलाइजेशन एंड ऑल, वो सारी आपकी एक्टिविटीज किस में आएंगी, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ के अंदर। आपको बताना है कि पहला फाइटो हार्मोन कौन सा था जिसको डिस्कवर किया गया था। ऑक्सिन पहला फाइटो हार्मोन था विच वॉज डिस्कवर्ड। इथाइलिन कहाँ कहाँ प्लांट में कहाँ कहाँ पे सिंथेसाइज होता है। तो इथाइलिन को वैसे फ्रूट राइपनिंग के लिए यूज़ भी किया जाता है, लेकिन जो पके हुए फल होते हैं, पके हुए फल इथाइलिन रिलीज करते हैं, सिंथेसिस करते हैं, और उसके साथ साथ में जो बूढ़े उम्र में ज़्यादा जो उनकी जो एज हो जाती है टिश्यूज़ की, वो भी इथाइलिन रिलीज करते हैं। ठीक है, अगला सवाल है कि गैमेटोजेनेसिस क्या होता है। तो गैमेटोजेनेसिस होता है गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट फॉर्मेशन की जो एक्टिविटी है, जो पूरी प्रोसेस है, वो आती है गैमेटोजेनेसिस में। जैसे आपने नाम सुना होगा स्पर्मेटोजेनेसिस, ओजेनेसिस, तो वो दोनों किसके पार्ट हैं, गैमेटोजेनेसिस के ही पार्ट से। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए कि फीमेल गैमेट के बारे में पूछा है कि यूजुअली ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो सारी फीमेल गैमेट्स के अंदर कॉमन होता है। तो सबसे कॉमन यही है कि फीमेल गैमेट ज़्यादातर क्या होता है, इमोटाइल होता है, और मेल गैमेट है वो कैसा होता है, मोटाइल होता है, यानी कि वो मूवमेंट कर पाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्लैजेला। ओवीपैरस ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं, ओवीपैरस ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं ओफर ओवी एंड ओफर अंडा। ठीक है, अंडा इज ऑल्सो ओ शेप्ड। तो ओवीपैरस ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो एग ले करते हैं। ठीक है, अंडे देने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं ओवीपैरस, और वीवीपैरस कौन से होते हैं, जो लाइव यंग बेबीज, छोटे बच्चों को पैदा करते हैं, वो अंडे नहीं देते हैं, लाइक ह्यूमन बींग्स। ओके, ऑर्गेनिजम्स, उन ऑर्गेनिजम्स को आप क्या बोलोगे जो डेड और डीकेइंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनके, उनसे अपना पोषण जो है वो इकट्ठा करते हैं या फिर उन पर फीड करते हैं, उन्हें हम कहते हैं सैप्रोफाइट्स। ओके, जो किस पे, जो कहाँ से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, डेड और डीकेइंग ऑर्गेनिजम्स से। ओजेनेसिस जो है उसकी शुरुआत कब होती है, तो ये जो क्वेश्चन से डायरेक्टली पूछे गए ये ह्यूमन बींग्स के बारे में ही है। तो ओजेनेसिस की अगर हम बात करें, तो फीमेल, जब एक फीटस जो होता है, जब एक बच्ची जो है वो अपने माँ के गर्भ में होती है, उसी समय उसी में ओजेनेसिस की प्रोसेस शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ओजेनेसिस बर्थ से भी पहले स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और स्पर्मेटोजेनेसिस कब स्टार्ट होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है प्यूबर्टी के ऊपर। माइटोसिस, माइटोसिस के लिए एक और नाम है, वो आपसे पूछा है क्या है, क्योंकि माइटोसिस का दूसरा नाम क्या है, इक्वेशनल डिविजन। माइटोसिस के अंदर क्या होता है, एक सेल, अगर आपका इसके अंदर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, तो इससे जिन दो सेल्स का फॉर्मेशन होगा, इन दोनों सेल्स में भी कितने होंगे, 46 और 46 क्रोमोसोम्स ही होंगे। तो हर सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्योंकि सेम रहते हैं, तो इस तरह के डिविजन को हम क्या कहेंगे, इक्वेशनल डिविजन। और वहीं पे जो मियोसिस है, मियोसिस को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन डिविजन। क्यों, यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो 2n से कम होकर के कितने हो जाते हैं, n। तो मान लीजिए अगर आपके पास में 46 क्रोमोसोम्स वाली कोई सेल है, उसमें अगर मियोसिस हुआ, तो आपको जो रिजल्टेंट सेल मिलेगी उसमें कितने क्रोमोसोम्स होंगे, 23। तो मियोसिस रिएक्शन, मियोसिस सॉरी जो डिविजन है वो यूजुअली आपको कहाँ पे मिलेगा, जैसे आपका ओवम का फॉर्मेशन जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे होगा, स्पर्म का फॉर्मेशन जहाँ पे हो रहा है। तो ये जो सेक्स सेल्स होते हैं या फिर जर्म सेल्स जिनको बोला जाता है, इनके फॉर्मेशन के अंदर यूजुअली ये रिएक्शंस होती हैं, कौन सी, मियोसिस वाली। अगला सवाल देखिए, जो नेचुरल एजिंग है लेग्स की, उसके लिए कौन सा टर्म यूज़ किया जाता है, उसे बोला जाता है यूट्रोफिकेशन। और ये नेचुरल एजिंग ऑफ लेग्स जो है, ये जब लेग के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट है वो जब बढ़ जाते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं यूट्रोफिकेशन। तो यहाँ पे यूजुअली जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो होता है नाइट्रोजन एंड फॉस्फरस। ओके, ऐसे ही कंप्यूटर के वेस्ट जो कि इररिपेयरेबल हैं, जिनको हम रिपेयर नहीं कर सकते, जैसे पुराने पीसीज जो आपके घर में भी पड़े होंगे, या फिर ऐसे और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं जैसे मोबाइल फोन्स हैं, एक बार उनको यूज़ करने के बाद में जब वो ख़राब हो जाते हैं तो वो पड़े रहते हैं, इस तरह के जो वेस्ट हैं उनके लिए एक अलग से टर्म यूज़ करी जाती है, और उस वेस्ट को क्या कहते हैं हम, ई वेस्ट या फिर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। ओके, ये एक नए तरह का वेस्ट है जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है। क्यों, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो क्या करते हैं, ये ई वेस्ट है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में पहुंचा देते हैं। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आपको बताने हैं, इंडिया के वेस्टर्न घाट्स बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में इंक्लूड किए गए हैं, श्रीलंका एंड इंडो बर्मा ये कंबाइंडली एक है, और देन हिमालयाज। तो टोटल इंडिया के अंदर 3 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो है वो प्रेजेंट है।
ठीक है, जूलॉजिकल पार्क्स जो हैं वो किस तरह का एग्जाम्पल है कंजर्वेशन का? जूलॉजिकल पार्क के अंदर बेसिकली क्या होता है, कैप्टिविटी के अंदर एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये एक तरह का एक्स सीटू कंजर्वेशन है। ठीक है, दो तरह के कंजर्वेशन होते हैं, एक इन सीटू और दूसरा एक्स सीटू। जूलॉजिकल पार्क्स एग्जाम्पल है एक्स सीटू की। प्लांटिंग द ट्रीज इन अ प्रीवियसली बैरन एनवायरमेंट, इस जो बंजर जगह है कोई, अगर वहाँ पे आप फिर से ट्रीज लगा रहे हो तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? उस प्रोसेस को हम बोलेंगे एफॉरेस्टेशन। और इसी तरह कहीं पे अगर वृक्षों की बहुत ज़्यादा कटाई हो रही है, वहाँ पे ह्यूमन की वजह से होता है यूजुअली, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? उसे हम कहते हैं डीफॉरेस्टेशन। ओके, नेक्स्ट इज नॉन सेलुलर माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्शियस एजेंट दैट कैन ओनली रेप्लीकेट इनसाइड द होस्ट सेल। ऐसे आपको पैथोजेंस का नाम बताना है जो सबसे पहला कह, जिनके अंदर सेल्स नहीं होते, दे आर नॉन सेलुलर माइक्रोस्कोपिक हैं, यानी कि हमें उन्हें माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है, इन्फेक्शियस है यानी वो बहुत सारी डिजीज कॉज करने के केपेबल हैं। और तो और ये सिर्फ क्या करते हैं, इनका जो रेप्लिकेशन है वो भी केवल होस्ट सेल के अंदर ही हो सकता है, यानी इनके सेल्स का जो नंबर में इंक्रीमेंट है वो भी खुद से नहीं कर पाते, वो भी तभी कर पाएंगे जब इनको कोई पोषिता कोशिका मिलेगी। ठीक है, ये होते हैं आपके वायरस, जैसे कि कोविड वायरस, तो ये वायरस होते हैं जिनमें सेल्स भी नहीं है बट स्टिल ये इतने सारे इन्फेक्शन कर सकते हैं। और वी ऑल नो वायरल डिजीजेस कौन कौन सी हैं, HIV हमें मालूम है, कोरोना हमें मालूम है, उसके अलावा कॉमन कोल्ड से लेकर के कोरोना तक कोई भी डिजीज हो सकती है वायरस से। ओके, नेक्स्ट है, एक वायरस जो है अपने आप को रेप्लिकेट नहीं कर पाता है आउटसाइड द होस्ट सेल। क्या ये स्टेटमेंट सही है? ये स्टेटमेंट एकदम सही है। वायरस के पास में किसी भी तरह के कोई भी एंजाइम्स नहीं होते, कोई भी उसके पास में केमिकल्स नहीं है, तो अपने आप को अगर उसे रेप्लिकेट बनाना है एक सेल से, अगर एक और सेल अगर उसको बनाना है, दो सेल का फॉर्मेशन करना है, तो उससे कुछ केमिकल्स की जरूरत पड़ेगी, कुछ एंजाइम्स की जरूरत पड़ेगी, सेल ऑर्गेनल्स उसे डबल करने पड़ेंगे, तो ये सारी चीज़ें भी वो क्या करता है, जो भी उसका होस्ट होता है उससे ही लेता है, खुद से वो कुछ नहीं कर पाता है, सिर्फ इन्फेक्शन ही कर पाएगा। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है वायरस के अंदर? तो जेनेटिक मटेरियल या तो DNA होगा या फिर RNA होगा। हमने पहले बात करी थी कि जेनेटिक मटेरियल DNA है या RNA है, इसमें कंफ्यूजन हुआ था पहले। वो क्यों हुआ था? क्योंकि वायरसेस के अंदर बहुत सारे वायरस ऐसे हैं जिनके अंदर RNA जेनेटिक मटेरियल अभी भी पाया जाता है। जैसे कि इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हो जाएगा आपका HIV वायरस, उसके अंदर क्या है, आपका जेनेटिक मटेरियल RNA ही है। ओके, प्रोटीन शेल जो है वायरस की, वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है, अगर ये उसका जेनेटिक मटेरियल मान लीजिए, तो वो इस तरह से एक शेल बनी हुई है बाहर प्रोटीन की, उसके अंदर प्रेजेंट होता है, तो इस शेल के लिए भी एक अलग से नाम है। और इस शेल को क्या बोला गया है? इस शेल को कहते हैं हम कैप्सिड। अब देखिए, क्वेश्चन आपसे पूछा है RNA वायरस कौन कौन से ऐसे वायरस है जिनके अंदर जेनेटिक मटेरियल RNA है, तो HIV वायरस जो है आपका, उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल RNA है। जो राइनो वायरस है जिससे आपका कॉमन कोल्ड होता है, जुकाम होती है, उसमें भी RNA वायरस है। COVID-19 जो वायरस है उसके अंदर भी कौन है? जेनेटिक मटेरियल इज RNA। देन डेंगू है, पोलियो वायरस है, सब कैसे हैं? सबके अंदर जेनेटिक मटेरियल RNA है। ओके, आपको बताना है वो उस वायरस को आप क्या कहोगे जो कि एक बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट कर देता है, उसे हम कहेंगे बैक्टीरियोफेज। ये ऐसा वायरस है जिसका होस्ट सेल कौन है? एक बैक्टीरियल सेल, एक बैक्टीरियल कोशिका। ऐसे ट्रांसमिशंस जो कि अगर वायरस का ट्रांसमिशन जो है वो अगर किसी इन्फेक्टेड एनिमल के काटने से, कोई बर्ड के काटने से, या फिर किसी इंसेक्ट के काटने से अगर ह्यूमन बींग्स में फैल जाए, बेसिकली अगर कोई ऐसा ट्रांसमिशन है वायरस का जो एनिमल्स से ह्यूमन बींग्स में हो सके, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम जूनोसिस कहेंगे, या फिर उन डिजीजेस को हम कहेंगे जूनोटिक डिजीजेस। अलग अलग तरह की एंटीबॉडीज कौन सी होती है ह्यूमन्स के अंदर? IgG एंटीबॉडी होती है, IgM होती है, IgE होती है, IgA होती है। ठीक है, ये कुछ एंटीबॉडीज के एग्जाम्पल है जो ह्यूमन ब्लड में पाई जाती हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है, कोई भी अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कोई भी पैथोजन अगर आपको अटैक करता है, तो सबसे पहला लाइन ऑफ डिफेंस आपका क्या होगा? आपकी स्किन होगी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ओके, और सबसे ज्यादा सर्फेस एरिया आपका स्किन ही है, आपकी पूरी बॉडी को कवर किया हुआ है स्किन ने, तो स्किन क्या है, एक बैरियर की तरह एक्ट करती है। ओके, बेस्ट मेथड फ्रॉम एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें अगर हम, तो हमारे पास में जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको रिड्यूस करना, सबसे पहले तो उनको वेस्ट प्रोडक्ट्स में कमी लाना, उन वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिसाइकल करना और उनको रीयूज करना, अगर ये तीन स्टेप्स इनका ध्यान रखा जाए, तो ये हमारे एनवायरमेंट के लिए काफ़ी हद तक और बहुत सारे अगर वैल्यूज से आप देखोगे, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा एनवायरमेंट के लिए, बहुत सारे फायदे होंगे इसके।
फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द पॉपी प्लांट आपका होता है पेपेवर सोमनीफेरम, उसको कौन से भाग से आपको मॉर्फिन मिलता है, उसका जो फ्रूट है उस फ्रूट का भी जो कवर है उसके पार्ट से आपको मॉर्फिन जो है वो ऑप्टेन होता है, ठीक है। नाइट्रोजीनस वेस्ट किस किस फॉर्म में बॉडी के बाहर रिमूव हो सकते हैं, यूरिया की फॉर्म में हो सकते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को यूरियोटेलिक कहा जाता है, यूरिक एसिड की फॉर्म में हो सकते हैं एंड अमोनिया की फॉर्म में अमोनियोटेलिक। स्टॉप कॉडोन्स कोडोन्स जो है वो कौन कौन से, स्टॉप कॉडोन्स हमारे पास तीन हैं और वो कौन से हैं, UAA, UAG और UGA। जब इनमें से कोई भी एक कॉडोन आपके mRNA पे प्रेजेंट होगा तो आपकी जो ट्रांसलेशन प्रोसेस है वो वहीं पे रुक जाएगी, इसीलिए इनको स्टॉप कोडोन बोला जाता है। वाटर हार्वेस्टिंग किस चीज़ का मेथड, अगर आप वाटर हार्वेस्टिंग करते हो तो ये आपके ग्राउंड वाटर को बढ़ाने में सहायता करेगा। अगर आप जल संचयन करते हो, जैसे कि वाटर हार्वेस्टिंग आप सबसे इम्पॉर्टेंटली तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हो, बारिश के पानी को स्टोर किया जा सकता है, ठीक है। तो अगर आप ऐसा करोगे तो आप जो आपकी वेल्स वगैरह हैं, कुएँ वगैरह हैं, बोरिंग वगैरह हैं, उनसे ग्राउंड वाटर कम यूज़ करोगे तो उस वाले वाटर की जो लेवल्स हैं वो आप मेनटेन रख सकते हो ग्राउंड वाटर की, ठीक है। राइबोसोम्स जो है, राइबोसोम्स की स्ट्रक्चर देखिए इस तरह की होती है, इनके ऊपर ऊपर एक बड़ा सब यूनिट होता है, ठीक है, और नीचे एक छोटा सब यूनिट होता है, इस तरह से ड्रॉ किया जाता है, पता नहीं मैंने भी देखा नहीं है। तो एक लार्जर सब यूनिट प्रेजेंट होता है राइबोसोम के अंदर और एक स्मॉलर सब यूनिट प्रेजेंट होता है। सैफरॉन जो है, केसर के कौन से भाग को यूज़ किया जाता है फूड को फ्लेवर करने के लिए, फूड में कलर ऐड करने के लिए, जो स्टिग्मा पार्ट है, हमने पिस्टल के तीन पार्ट्स पढ़े थे, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, उसमें से स्टिग्मा पार्ट जो है सैफरॉन का वो यूज़ किया जाता है एज अ कलरिंग एजेंट, अपने यूजुअली जो हम एडिबल प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर एक कलरिंग एजेंट के फॉर्म में यूज़ किया जाता है। सेल्फ कल्टिवेटेड थैलोफाइटा, जो थैलोफाइटा है उसके अंदर जो मेंबर्स हैं ये यूजुअली अपने आप ही उग जाते हैं, कहीं पे भी अगर थोड़ा बहुत भी वाटर अगर प्रेजेंट होता है तो थोड़ी देर बाद में, नॉट थोड़ी देर बाद में, कुछ टाइम बाद में वहाँ पे आपको एल्गी का ग्रोथ दिखे जाता है। तो सेल्फ कल्टिवेटेड थैलोफाइटा में बिलोंग करते हैं एल्गी, ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा एल्गी। प्राइमरी मेरिस्टम जो है वो प्लांट्स में कहाँ कहाँ लोकेटेड है, प्राइमरी मेरिस्टम की वजह से प्राइमरी ग्रोथ होती है प्लांट के अंदर, और प्राइमरी ग्रोथ कौन सी होती है, लेंथ के अंदर जो इंक्रीमेंट होता है वो, तो टिप्स ऑफ रूट्स एंड शूट्स, ठीक है, रूट्स और शूट्स दोनों के टिप्स के ऊपर प्रेजेंट होता है आपका प्राइमरी मेरिस्टम। इसके अलावा नोड्स जो है लीव्स के, लीव जहाँ से उगनी शुरू करती है प्लांट के अंदर वहाँ पे इस तरह से एक लाइन जैसी स्ट्रक्चर होती है और फिर यहाँ से हमेशा लीव ग्रो करेगी, तो ये वाला जो पार्ट होता है इसे कहते हैं नोड्स। तो ये नोड वाला जो पार्ट है यहाँ पे भी मेरिस्टम प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो टिप्स पे प्रेजेंट होता है मेरिस्टम उसको एपाइकल मेरिस्टम के नाम से जाना जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, टिप्स वाले को एपेक्स पे है तो एपाइकल बोलते हैं, नोड्स पे है उसको इंटरकैलरी बोलते हैं, ठीक है। सैफ्रॉन जो है वो कौन से प्लांट से डराइव किया जाता है, तो जिस प्लांट से आपको सैफ्रॉन मिलता है दैट प्लांट इज क्रोकस सेटाइवस। कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया जो आपकी बॉडी में कहाँ पे मिलते हैं, कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया आपके इंटेस्टाइन में मिल सकते हैं, जो सीकम पार्ट है इंटेस्टाइन का उसके अंदर यूजुअली प्रेजेंट होते हैं, और उसके अलावा जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं जैसे आपका फीकल मटीरियल है उसके अंदर भी बैक्टीरिया जो है वो प्रेजेंट हो सकते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी से आप क्या समझते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी का सिंपली यही मतलब है कि जो एग है या फिर ओवम अगर हम बोले, एग और स्पर्म दोनों का जो फर्टिलाइजेशन है या फिर जो फ्यूजन है वो एक टेस्ट ट्यूब के अंदर होता है, और उसके बाद में जो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है उसको वापस बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है या फिर यूट्रस में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इस पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी। फर्टिलाइजेशन वाली एक्टिविटी जो है सिर्फ वही टेस्ट ट्यूब में होती है, बाकी सारी नॉर्मल पूरी जो कंसेप्शन की प्रोसेस है उसी के अकॉर्डिंग होगी। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं, तो देखिए जैसे पेरेंटिंग के डिस्प्यूट्स होते हैं कि ऐसा पूछा जाता है लाइक यूजुअली कि बच्चे का फादर कौन है, या फिर कि जो बच्चा है वो एक्चुअल में जिन पेरेंट्स के पास में रह रहा है उन्हीं का बच्चा है क्या, तो उसके लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करी जा सकती है। जैसे थीव्स को पकड़ने के लिए, रेपिस्ट को पकड़ने के लिए भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज किया जाता है। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस है जहाँ पे हम यूज कर सकते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को। जब एक सिंगल जीन जो है वो एक्सप्रेशन, वो किसी कैरेक्टर जो है उसके एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है एक से ज़्यादा को, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिक जीन के नाम से उसे जाना जाता है। सिकल सेल एनीमिया के अंदर किस तरह का म्यूटेशन देखने को मिलता है, सिकल सेल एनीमिया के अंदर होता है पॉइंट म्यूटेशन हमने क्यों बोला, क्योंकि हमारे जो कोडोन्स हैं, हमें पता है कोडोन्स कैसे होते हैं, ट्रिपलेट्स होते हैं, तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ ये इतने सारे बहुत सारे जो कोडोन्स हैं यहाँ पे, उनमें से
कोई सिर्फ एक जगह ऐसी है जहाँ पे गलत एमाइनो एसिड या फिर गलत नाइट्रोजिनस बेस अटैच होने की वजह से ये पूरी प्रॉब्लम हुई है, और इस तरह की म्यूटेशन को हम कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन। और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या होता है, एक या तो कोई ऐड हो जाता है कम्प्लीटली न्यू, अगर देखिए यहाँ पे इस कोडोन के अंदर एक मैं यहाँ पे न्यू ऐड कर दूँ, ठीक है, तो या तो एडिशन हो जाए या फिर कोई भी एक कोडोन पहले वाला जो था ट्रिपलेट में से वो रिमूव हो जाए, तो इन दोनों की वजह से होता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, जिसका एग्जांपल है थैलेसीमिया। शुगर जो है, कौन से शुगर हनी में सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है, फ्रक्टोज शुगर सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है हनी के अंदर। जिम्नोस्पर्म्स के सीड्स के बारे में पूछा है, जिम्नोस्पर्म्स के सीड्स हमेशा नेकेड होते हैं, उनके बाहर किसी भी तरह की कोई भी कवरिंग जो है वो प्रेजेंट नहीं होती है पूरे लाइफ टाइम के अंदर। डिप्थेरिया, वूपिंग कफ, टाइफॉइड, डायरिया, मलेरिया, इनमें से कौन सी ऐसी डिजीज है जो बैक्टीरियल नहीं है, तो मलेरिया जो है मलेरिया प्लास्मोडियम की वजह से होता है जो कि एक बैक्टीरिया नहीं है, ठीक है। डायरिया जो है बहुत सारे बैक्टीरियाज की वजह से हो सकता है, जैसे विब्रियो कॉलरी की वजह से हो सकता है, एस्केरिशिया कोलाई, ठीक है, बहुत सारे बैक्टीरिया, उनमें हम नहीं जाएंगे। टाइफॉइड जो है बैक्टीरियल है, वूपिंग कफ जो आपका पर्टुसिस है अगेन एक बैक्टीरियल डिजीज है, एंड डिप्थीरिया। ओके, विब्रियो जो बैक्टीरिया है वो किसके शेप का होता है, विब्रियो बैक्टीरिया जो है वो इस तरह की शेप का होता है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया। ओके, ठीक है, अगला कौन सी डिजीज है जिसको पिंक आई भी बोला जाता है, आंख जो है पूरी रेड कलर की हो जाती है उसके अंदर, उसे बोला जाता है कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवाइटिस को पिंक आई के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा लेंस है जिसको मायोपिया के करेक्शन में यूज करेंगे, तो अगर आप में से किसी को मायोपिया, तो आपको मालूम होगा मायोपिया का जो बच्चा होता है उसको यूजुअली लेंस जो है वो नेगेटिव पावर का लगता है। जैसे मुझे मायोपिया है तो मुझे नेगेटिव पावर में लेंस है, तो दैट इज, और नेगेटिव जो है ये होती है फोकल लेंथ, और नेगेटिव फोकल लेंथ हमेशा किसकी होती है, कनकेव लेंसेज की। तो जिन भी स्टूडेंट्स को मायोपिया है उनके जो स्पेक्टेकल्स हैं उनके अंदर जो लेंस है वो कैसा होगा, कनकेव लेंस होगा, यानी जिनको दूर का नहीं दिखता है उनके कैसे लेंस होगी, उनका माइनस में पावर होता है, दैट इज कनकेव लेंस। और जिनको पास का विजिबल नहीं होता है उनके जो लेंसेज हैं उनके अंदर कॉन्वेक्स लेंस हैं, तो उनका पावर हमेशा प्लस में होता है। तो क्वेश्चन में अगर आपको इस तरह से पूछा जाए कि कोई भी एक स्टूडेंट है या फिर किसी भी एक रैंडम पर्सन का अगर जो आँख का पावर है वो प्लस 1.5 है, तो आप क्या गेस कर सकते हो इससे, तो उसको हो सकता है कि उसको हाइपरमेट्रोपिया हो, ठीक है। इसी तरह से एक प्रॉब्लम होती है प्रेसबायोपिया, जो हमारे पेरेंट्स की एज में मिलती है 50-60 एज के आसपास, एजिंग के साथ में जो प्रॉब्लम होती है आई की यूजुअली, दैट इज प्रेसबायोपिया। अमीबिक डिसेंट्री एक प्रॉब्लम है इंटेस्टाइन की, यहाँ पे आपको बताना है किस वजह से होती है, ये होती है एंटमीबा हिस्टोराइटिका की वजह से, ठीक है। इसका कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन है, एंटमीबा हिस्टोराइटिका। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्रे इज फाउंड इन नेक, नेक के अंदर कौन से वर्टिब्रे मिलते हैं, नेक के अंदर हमारे सर्वाइकल मिलते हैं, जितने भी आपके वर्टिब्रा हैं वो कितने तरह के होते हैं, सर्वाइकल होते हैं, थोरेसिक होते हैं, लंबर होते हैं, सैक्रल होते हैं, और कॉक्सीजल होते हैं, ठीक है। ये पांच टाइप के वर्टिब्रा आप में प्रेजेंट है, तो यहाँ पे आपके नेक वाला जो पार्ट है इतने में जो आपका वर्टिब्रल कॉलम की जो बोन्स हैं वो आपकी, उनको नाम किस नाम से जाना चाहता है, सर्वाइकल। र्यूमेन जो है किसका पार्ट है, र्यूमेन स्टमक का पार्ट है, कौन से, रुमिनेंट एनिमल्स का, जो जुगाली करके खाने वाले एनिमल्स हैं, जैसे आपके काऊ है, आपके बफेलो है, इन सब के अंदर र्यूमेन एक एडिशनल पार्ट मिलता है स्टमक में। आइलेट ऑफ लैंगरहैंस का मतलब किससे जुड़े हुए हैं, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस दे आर एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन के रिलीज से रिलेटेड हैं, जो कि कहाँ पे होता है, रिलीज पैंक्रियाज में, तो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस नाम की जो स्ट्रक्चर है ये आपको मिलेगी पैंक्रियाज में। शुगर केन के अलावा ऐसा कौन सा सोर्स है जो कि कमर्शियल, जो आपका टेबल शुगर है उसका एक अच्छा सोर्स हो सकता है। टेबल शुगर क्या है, टेबल शुगर आपका है सुक्रोज, तो अगर शुगर केन के अलावा अगर आपको कोई और सोर्स बताना है तो वो आपका होगा बीट रूट, चुकंदर, जिसको लिए साइंटिफिक नेम जो है, जैसे शुगर केन के लिए सैकरम ऑफिसिनारम है, उसी तरह से आपका जो चुकंदर है उसके लिए साइंटिफिक नेम है वो क्या है, बीटा वल्गैरिस, ठीक है। हाइड्रोफोबिया क्या होता है, हाइड्रोफोबिया होता है पानी से डर, और ये यूजुअली देखने को मिलता है रेबीज के अंदर, रेबीज जिन लोगों को हो जाता है उनमें बहुत लेटर स्टेज में जाकर के हाइड्रोफोबिया भी एक सिम्टम होता है। ईयर और साइकिल्स कौन कौन से, ईयर और साइकिल्स आपके ईयर के अंदर पाई जाने वाली बहुत ही छोटी छोटी बोन है, इनको मिस बोन्स के नाम से भी जाना जाता है, और ये मिस बोन कौन कौन सी है, मेलियस है, इंकस है, और स्टेपीज है। स्टेपीज हम जानते हैं क्या है, सबसे छोटी बोन है। हमारी बॉडी में कुछ विटामिन हैं उनको हम स्टोर भी कर सकते हैं, जैसे विटामिन ए को, विटामिन डी को, और विटामिन B12 को, बट अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये स्टोर कहाँ पे होगा, तो स्टोरेज का कोई भी अगर आपको क्वेश्चन आए तो आप लिवर आंसर कर सकते हो इजीली। स्टोरेज ऑर्गन यूजुअली आपकी बॉडी में जो वो लिवर ही होता है, फैट्स के लिए नहीं होता है, फैट्स के लिए स्टोरेज इज एडिपोज टिश्यू।
ह्यूमन बींग्स के अंदर सबसे छोटा क्रोमोसोम कौन सा है? क्रोमोसोम नंबर 21 जो है वो सबसे छोटा क्रोमोसोम है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन अगेन मैं आपसे पूछ सकती हूँ, ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम 21 की वजह से कौन सा क्रोमोसोमल एबनॉर्मैलिटी या कौन सा सिंड्रोम होता है? कलर ब्लाइंडनेस आपको बताना है ज़्यादा कॉमन किस में है और क्यों है, ये भी आप बता सकते हो ईजी है। कलर ब्लाइंडनेस ज़्यादा कॉमन है मेल के अंदर क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस एक एक्स लिंक्ड डिसीज़ है और जितनी भी एक्स लिंक्ड डिसीजेज है जैसे कि हीमोफीलिया था, जैसे कि कलर ब्लाइंडनेस है, ये सब ज़्यादा किस में मिलेंगी? मेल्स के अंदर मिलेंगी क्योंकि मेल्स के अंदर सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है और अगर उस क्रोमोसोम के ऊपर कलर ब्लाइंडनेस का जीन है तो वो क्या होंगे? कलर ब्लाइंड होंगे। लेकिन फीमेल्स कलर ब्लाइंड तभी होंगी जब उनके दोनों एक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर कलर ब्लाइंडनेस वाला जीन होगा, जो कि एक थोड़ी रेयर पॉसिबिलिटी है। कलर ब्लाइंडनेस किस तरह की एक डिजीज़ है? कलर ब्लाइंडनेस जो है अगेन एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़ है। विच अमंग द फॉलोइंग एंजाइम अलाउज द काउस टू डाइजेस्ट सेल्यूलोज? काउस के अंदर सेल्यूलोज डाइजेशन के अंदर कौन सा अलग से एंजाइम प्रेजेंट होता है? दैट एंजाइम इज बीटा एमाइलेज। ये हमारे अंदर एबसेंट होता है तो हम सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जैसे कि कैक्टस हैं, इनके अंदर क्या होता है, स्टेम जो है आपका तना जो है वो फ्लैट हो जाता है एकदम, ठीक है, और वो ग्रीन होता है और फोटोसिंथेसिस का फंक्शन भी परफॉर्म करता है। इस तरह का जो स्टेम है उसके लिए अलग से हमने नाम दिया है और वो नाम क्या है? फिलोक्लेट, ठीक है। तो ये स्टेम क्या करेगा? लीफ के जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको परफॉर्म करता है। फिलोक्लेट का फंक्शन क्या है यहाँ पे? लीफ का जो फंक्शन होता है वही यहाँ पे फिलोक्लेट का फंक्शन है, जो कि क्या है? फॉर्मेशन ऑफ फूड। फूड का फॉर्मेशन करेगा यहाँ पे फिलोक्लेट और ये यूजुअली आपको ज़ीरोफाइट्स में मिलेगा उन प्लांट्स के अंदर जो पानी की डेफिशिएंसी में ग्रो करते हैं। ओके, आज के 100 जो क्वेश्चंस थे वन लाइनर्स यहीं पे खत्म होते हैं। उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। शुक्रिया।